बाबा की खेती यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसान भाइयों, अक्सर आप जब मंडी में माल बेचने जाते हो गेहूं की फसल, तो आप देखते होंगे कि वहाँ की जो गेहूं की ढेरियाँ होती हैं उनके दानों का रंग अलग अलग होता है। किसी का अच्छा चमकीला होता है, किसी का हल्का होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके चार पांच रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है कि बीज की वैरायटी अलग अलग होना, अलग अलग किस्मों के गेहूं के जो दानों की चमक होती है वो अलग अलग होती है। और दूसरा रीज़न है ज़मीन का फ़र्क होना, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है, उस हिसाब से जो उनमें उपज होती है उनके दानों का रंग भी कुछ अलग अलग टाइप प्रकार का आता है। और तीसरा कारण है पूरक पोषण तत्वों और संतुलित उर्वरक का प्रयोग करके भी धानों की चमक को बढ़ाया जा सकता है। तो आज हम बात करें गेहूं की खेती की कि गेहूं की फसल में जो धानों की चमक है वो हम कैसे बढ़ाएं। तो किसान भाइयों, मैं आज आपको इस जानकारी में अपने निजी अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि पिछले 5-6 सालों से मैं भी गेहूं की खेती कर रहा हूं, तो इसमें दानों की चमक बढ़ाने के लिए मैं विशेष रूप से जब फसल की बाली अवस्था आ जाती है और जब बालियों पर फूल आते हैं, आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे, इस अवस्था में मैं जो पोटेशियम सल्फेट जिसे 0050 भी कहते हैं के नाम से एक रासायनिक उर्वरक आता है जो पानी में पूर्णतः घुलनशील है, उसका स्प्रे 1.5 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाए तो गेहूं में दानों में चमक विशेष रूप से बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें 50% पोटास होता है और 17.5% सल्फर होता है जो फसल के दानों के कलर को विशेष रूप से इनक्रीज करता है। आप भी प्रैक्टिकल के रूप में पहले अपने खेत के थोड़े से क्षेत्र में इसका स्प्रे करके देखें और परिणाम यदि बेहतर लगे तो अगले साल या अगली बार जब भी फसल लगाएं तब पूरे क्षेत्र में करें और इसका भरपूर लाभ लें, ताकि आपको अपनी फसल का भरपूर उत्पादन मिले और आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि दी गई जानकारी हुई आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसी प्रकार आप खेती में लाभ कमाएं, इसी आशा करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।